वन वेलकम टू करण क्रांच जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दूं इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं नितिन सांगवान सर की टू हमारा थर्ड चैप्टर एवरी साइंस इज गवर्न बाई सम लॉज एंड रूल ये हमें पता है और साइंस की बात स्टार्टिंग में क्यों हुई हमें थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं हमने पढ़ा पॉजिटिविस्ट के बारे में और नॉन पॉजिटिविस्ट के बारे में ठीक है जो पॉजिटिविस्ट थे वो चाहते थे कि आपकी जो सोशोलॉजी है उसको वैसे ही स्टडी करो जैसे आप नेचुरल साइंसेस को स्टडी करते हो और वही मेथड्स इसमें यूज करो जो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन में जो मेथड्स यूज होते हैं और नॉन पॉजिटिविस्ट का क्या कहना था कि आप सोशोलॉजी में स्टडी कर रहे हो ह्यूमन बींग्स को ठीक है ह्यूमन बींग्स को तो इनमें कुछ ह्यूमन कॉन्शियसनेस होगा ह्यूमन कॉन्शियसनेस होगा फाइन तो इसीलिए आपको स्टडी करने के लिए आपको पैटर्न ऑफ इंटरक्शन फीलिंग्स मोटिव एक्शन इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा ना कि इसको एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करनी होगी ठीक है तो ये था एक रफ आइडिया जो हम ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में कर चुके हैं अब देखो दुर्खेम सजेस्टेड द यूज ऑफ मल्टीवेरियड एनालिसिस मल्टीवेरियड एनालिसिस क्या होता है जिसमें आप काफी आपके वेरिएबल्स जो हैं वो कंसिडर करते हो अपनी रिसर्च के लिए फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस ओनर आप कोई रेस्टोरेंट ओनर हो ठीक है अब आपको देखना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी है आपकी तो आपके लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप स्टडी कर रहे हो ठीक है तो आपके लिए क्या वेरिएबल्स होंगे कि प्राइस ऑफ फूड क्या है रिव्यूज क्या आ रहे हैं ठीक है कितना लोग विजिट करते हैं आपके रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट की रेटिंग क्या है ऐसे ही अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए आप अलग अलग वेरिएबल सिर्फ एक वेरिएबल को नहीं देखोगे आप अलग अलग वेरिएबल्स को देखोगे इन्होंने अपने मेथड्स में यही यूज किया था अपनी स्टडी में इन्होंने मल्टीवेरिएट एनालिसिस सिमिलर टू दैट यूज इन स्टैटिस्टिक्स में जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं वैसा ही इन्होंने कहा था आप सोशोलॉजी में यूज करो तो इनकी जो स्टडी थी सुसाइड की उन्होंने वो इन्हीं लाइंस पे डेवलप करी थी ठीक है अब देखो नेचुरल साइंसेज जो है ये प्रोवाइड दी लग्जरी ऑफ डिस्कवरिंग लॉज एंड कंट्रोल लैब्स नेचुरल हमें पता है हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट स्कूल में भी करते थे तो कहाँ करते थे हम लैबोरेटरीज़ में करते थे जहाँ पे हम कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आपको टेम्परेचर कितना चाहिए आपको प्रेशर कितना चाहिए ये सारी चीज़ें आप लैब में कंट्रोल कर सकते हो लेकिन सोशोलॉजी में आप सोसाइटी स्टडी कर सकते हो तो सोसाइटी को एक लैब में लेके आना पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ सोशोलॉजी होल सोसाइटी एक लैब है एंड हेंस कंट्रोलिंग वेरिएबल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव एंड एडमिनिस्टर आप इसमें क्या कर रहे हो लोगों के इंटरेक्शन फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उनको आप कैसे कंट्रोल करोगे लोगों की फीलिंग्स भी इसमें कहीं ना कहीं आ जाएंगी उनको आप कैसे कंट्रोल करोगे लोगों का मोटिव कैसे आप कंट्रोल करोगे आपको पहले यही समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर कोई एक्शन कर रहा है उसके पीछे उसका हिडन मोटिव क्या है ठीक है जब आपको वो समझने में ही स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे तो यही नेचुरल साइंस के लिए काफी ईजी है लेकिन सोशोलॉजी के लिए ये सारी चीजें ईजी नहीं है देखो सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजीज रिसर्च मैथडोलॉजीज क्यूँ इंपॉर्टेंट है सोशोलॉजी में क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप एक ले पर्सन नॉलेज जो है उसको आप डिस्टिंग्विश करो डिफ्रेंशिएट करो एक सोशोलॉजिकल स्टडी से सोशोलॉजिकल स्टडी से ठीक है क्योंकि बेसिकली आपको सोसाइटी में क्या बातें पढ़नी है जो बातें एक आम इंसान भी वो बातें बोलेगा ठीक है कॉमन सेंस नॉलेज से काफ़ी ज़्यादा आपकी जो सोशोलॉजिकल नॉलेज है वो काफ़ी जगह पे ओवरले करती है वो इंफॉर्मेशन तो उसको आप डिस्टिंग्विश कर पाओ डिफ्रेंशिएट कर पाओ एक जो ले मैन बोलता है वो जो सोशोलॉजिस्ट की बात है वो एक प्रूवन बात होगी इसीलिए आपके लिए रिसर्च मैथडोलॉजीज इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें आप डिफरेंट मैथर्ड्स यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेस लाइक पॉजिटिविस्ट रिसर्च और इंटरप्रिटिव रिसर्च ये मैंने आपको बताई ये चीज़ें अब सोशोलॉजी जो रिसर्च मेथड्स यूज होती है सोशोलॉजी मेंल इन थ्री कैटेगरीज ठीक है तो पहला आ गया आपका क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव ये हमें आगे पढ़ना है माइक्रो एंड माइक्रो मैथड देखो माइक्रो मैथड होता है जो आप एक छोटी सेटिंग की चीज़ को ऑब्जर्व करते हो फॉर एग्जाम्पल एक मेथड हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल एक सोशोलॉजिस्ट है वो क्या कर रहा है एक छोटी सोसाइटी का कोई एक इवेंट फॉर एग्जाम्पल कोई एक फेस्टिवल ऑब्जर्व कर रहा है तो वो रिसर्चर एज पार्टिसिपेंट वहां पे वो चीज जो स्टडी करने वाला है इवेंट उसको ऑब्जर्व करेगा तो वो एक माइक्रो मेथड हो गया वो जो माइक्रो मेथड हो गया फॉर एग्जाम्पल आपका सर्वे मेथड है जहां पे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा रेस्पोंडेंट्स होंगे आपके ठीक है आप उनमें सर्वे करोगे तो वो एक माइक्रो मेथड हो गया फाइन अब मेथड्स बेस्ड ऑन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा प्राइमरी डेटा होता है जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो और सेकेंडरी डेटा होता है जो ऑलरेडी किसी की कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन को आप एनालाइज करते हो प्राइमरी डेटा फॉर एग्जाम्पल जो जर्नलिस्ट रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं ना रियल टाइम में जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वो प्राइमरी हो गई सेकेंडरी हो गई जैसे आप पी आई बी एनालिसिस पढ़ोगे पी एनालिसिस अगर आप करोगे तो वो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से जाके पढ़ोगे ठीक है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप इन्फॉर्मेशन एनालाइज कर रहे हो वो आपका क्या आ गया सेकेंडरी डेटा तो ये रिसर्च मेथड्स हो गए ये हमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आगे पढ़ना है सेकेंड टॉपिक हमारा यही है अब देखो यहाँ पे यही लिखा है फॉर एग्जाम्पल सर्वे रिसर्च कैन बी यूज इन लार्ज स्केल रिसर्च इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स ठीक है सर्वे मेथड हमारा एक माइक्रो लेवल पे हम करते हैं या आपका जैसे कॉन्फ्लिक्ट मेथड हो गया कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो कार्ल uh, मार्क्स ने कहा था वो भी एक माइक्रो पर्सपेक्टिव है और माइक्रो आपका छोटा जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किसी एक छोटे से इवेंट को किसी एक छोटी सोसाइटी को आप स्टडी कर रहे हो अब जो रिसर्च डिजाइन है वो कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करता है ये हमने पिछ, पिछले टॉपिक पिछले चैप्टर में भी देखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल चॉइस ऑफ टॉपिक्स कलेक्शन ऑफ फैक्ट फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हाइपोथिस मेकिंग टेस्टिंग एंड वैलिडेशन सो ऑन फर्दर रिसर्च मेथेडोलॉजी और रिसर्च डिजाइन जो है इसके कुछ बेसिक टाइप्स हैं रिसर्च मैथडोलॉजी के ठीक है देखते हैं आगे क्या है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन होता है जिसमें आप ये इनिशियल स्टेज में यूज की जाती है टू एक्वायर सम प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन इससे क्या होता है आपकी जो एक वाइड रिसर्च है वो एक नैरो डाउन हो जाती है थोड़ा आप उसको एक स्पेसिफिक बनाते हो अपनी रिसर्च को फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टडी कर रहे हो मैरिज इज अ रिस्की प्रपोर्शन अब देखो मैरिज जो है एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है एक बहुत बड़ा टॉपिक है अगर आप पढ़ने जाओ अब इसको आप नैरो डाउन करोगे अब मैरिज के कुछ कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पहले स्टडी करोगे तो वो आपका क्या हो उससे आपका क्या हो जाएगा आपको प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपका एक वाइड टॉपिक जो है थोड़ा नैरो हो गया दस इट इज यूज टू कैरी इनिशियल रिसर्च टू नैरो डाउन ऑन द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव जैसे सर्वे ऑफ एग्जिटिंग लिटरेचर फॉर एग्जाम्पल आप डिवर्सेज को पहले स्टडी करोगे या अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो है या सेपरेशन के केसेस हैं उनको करोगे सर्वे ऑफ एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स को सर्वे करोगे या केस स्टडीज को एनालाइज करोगे ठीक है तो इसमें क्या कर रहे हो आप ऑलरेडी जो चीजें हुई हैं उनको आप स्टडी कर रहे हो वहां से प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन ले रहे हो अपनी इसको स्टडी को एक अपने आ, तो थोड़ा सा इसको नैरो डाउन करने के लिए अपने जो है टॉपिक उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन क्या होता है जिसमें आप आप अच्छे से अपनी रिसर्च करते हो चीजें पूरी तरीके से डिस्क्राइब करके ये प्रोवाइड करता है एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स रेलिवेंट टू दी प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन देखो अभी वेरिएबल्स क्या होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टडी कर रहे हो आपका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑन एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर क्वालिटी हेल्थ केयर ठीक है तो ये आपके इसमें सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और क्वालिटी हेल्थ केयर हेल्थ केयर ठीक है ये क्या है आपके ये आपके वेरिएबल्स हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वालिटी हेल्थ केयर क्या है यहाँ पे ये यह आपका इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे क्योंकि हेल्थ केयर किस पे डिपेंड करेगा कि आपका क्या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है सोसाइटी में किस कैसा आपका स्टेटस चल रहा है उस पर डिपेंड करेगा आपको कैसा हेल्थ केयर प्रोवाइड हो रहा है सीधी सी बात है जिसके पास जितने पैसे होंगे वो उतना अच्छा हेल्थ केयर अपने लिए जो है वो एफोर्ड कर पाएगा फाइन तो जो हेल्थ केयर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है आपके पास कितने पैसे हैं आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उस पर तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है पहले हम इसको रेज कर लेते हैं अब देखो इन कंपेरिजन टू एक्सप्लोरेटरी जो डिस्क्रिप्टिव होता है ये मोर फॉर्मल होता है और लेस फ्लेक्सिबल होता है मतलब इसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो आप फॉलो करते हो ये पॉजिटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट दोनों यूज करते हैं देखो पैनल रिसर्च डिजाइन में क्या करते हो यू एक्सपेरिमेंट सेम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तो रेस्पॉन्डेंट्स देखने के लिए वेद एनी चेंज अकर्स इन देम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप सेम सेट ऑफ सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को बार बार स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनमें कोई चेंज आ रही है कि नहीं और क्रॉस सेक्शन क्या होता है आप वन टाइम एनालिसिस करते हो जैसे आप ओपिनियन पोल्स में करते हो ठीक है कोई ओपिनियन पोल आपने बनाया कि ये चीज फॉर एग्जाम्पल सोशोलॉजी ऑप्शनल आपके लिए यूपीएससी के लिए ठीक है या नहीं एक ओपिनियन पोल इसके लिए बनाया तो इसमें आप क्या करोगे वन टाइम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे ठीक है थर्ड नंबर देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इसमें क्या होता है रिसर्च एक्चुअली ट्राइज टू चेंज द इनपुट्स लाइक सिचुएशन सर और द एक्सपीरियंस ऑफ द पार्टिसिपेंट

एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है टेस्ट द वे इन विच एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो द फैक्टर ऑफ दैट द रिसर्च जो मैनिपुलेट करता है इफेक्ट्स अर डिपेंडेंट वेरिएबल पुरानी मैंने आपको किसमें एग्जाम्पल दी थी वो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस इस ऑन द एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर क्वालिटी हेल्थ केयर क्वालिटी का क्या इंपैक्ट रहता है आपके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पर ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक है इसके एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको दी हुई है तो ये जो मेथड है कौन सा मेथड है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जिसमें आप क्या करते हो इनपुट चेंज करते हो बिहेवियर देखने के लिए आउटपुट कुछ चेंज हुआ है कि नहीं डिडक्शन इंडक्शन यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है देखो डिडक्शन इंडक्शन क्या होता है अगर आपके पास कोई थ्योरी ऑलरेडी है वहां से आप कोई इन्फॉर्मेशन डिड्यूस कर रहे हो तो वो आपका डिडक्शन हुआ इंडक्शन हुआ कि आपने कोई चीज कोई पॉइंट्स पहले ऑब्जर्व किए बाद में उन थे, उन पॉइंट्स को लेके आपने एक थ्योरी अपनी डेवलप की है तो वो आपका इंडक्शन मेथड हो गया ठीक है इसको आप थोड़ा यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो बेसिक इसका आइडिया यही है अब जो हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज़ करते हैं उसके कुछ लिमिटेशन है वो लिमिटेशन देखते हैं क्या हुए द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स विच हैज़ टू बी टेकन इन टू अकाउंट हो सकता है क्योंकि इसमें आप डील कर रहे हो इंसानों से तो जो आपके लिए इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल हो जैसे किसी की फीलिंग्स वगैरह तो हो सकता है आपके लिए इनसिग्निफिकेंट हो लेकिन आपके रिसर्च में वो एक वेरिएबल सिग्निफिकेंट होगा तो कौन से वेरिएबल्स आप चूज करते हो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए या नहीं ये जो है एक पॉइंट ऑफ डिबेट बन जाता है इसमें लिमिटेशन बनती है। फॉर एक्साम्पल मर्टन ने लेटेंट फंक्शन इसको इलस्ट्रेट करता है मर्टन ने कहा किसी भी जो, जो भी चीज आप करते हो उसका कोई मैनिफेस्ट फंक्शन होता है ठीक है मैनिफेस्ट है जो सबको पता है लेकिन कोई एक हिडन अन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस भी होता है वो लेटेंट फंक्शन उसको नाम दिया है ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैनिफेस्ट अगर देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत सारे करते हैं तो मैनिफेस्ट होता है रिजल्ट या पास या फेल उसका एक अनइंटेंडेड इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है फॉर एग्जाम्पल सुसाइड केसेस जो है वो बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स में प्रेशर की वजह से क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए एग्जाम तो आपको कौन सा वेरिएबल आपके लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं ये एक पॉइंट ऑफ डिबेट बन जाता है सेकेंडली पीपल जो है दे बिकम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिसर्चर्स हॉथ इफेक्ट में ही ये एग्जाम्पल दी गई कि जब लोगों को पता चला कि उनको स्टडी किया जा रहा है तो उनका बिहेवियर अकॉर्डिंगली चेंज हुआ क्योंकि आप क्या कर रहे हो आप किसी एनिमल को स्टडी नहीं कर रहे हो या आप किसी प्लांट को स्टडी नहीं कर रहे हो आप एक इंसान को स्टडी कर रहे हो जो चेंज होगा जो आपके अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो इंसान को तो वो अकॉर्डिंगली बिहेव थोड़ा डिफरेंटली करना शुरू हो जाएगा आप देखो सिंपल सी एग्जाम्पल क्लास में कभी क्या होता था स्कूल में या यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा होता है कि लेक्चर चल रहा होता है पढ़ा रहा है तो अचानक से प्रिंसिपल या एच के क्लास में बैठ जाते हैं देखने के लिए टीचर कैसे पढ़ा रहे है और बच्चे कैसे समझ रहे हैं तो टीचर थोड़ा टीचर को पता है कि ही इज बीइंग ऑब्जर्व तो उसका थोड़ा बिहेवियर चेंज हो जाएगा क्योंकि एक फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है ये एक इंसान है ठीक है तो वो एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो और प्राइवेसी कंसर्न क्योंकि आप स्टडी किसको कर रहे हो इंसानों को तो उनको अगर आप बोलने के बगैर स्टडी करो तो उनके लिए वो प्राइवेसी इश्यूज हैं प्राइवेसी ब्रीच है, आप किसी को बोलो ही नहीं और आप उसको स्टडी कर रहे हो और बोल के स्टडी करो तो ये वाली प्रॉब्लम आ गई ठीक है क्योंकि वो अवेयर हो जाएंगे उनको स्टडी किया जा रहा है और अकॉर्डिंगली उनका बिहेवियर चेंज होगा जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट है उसको ऑल्टर करेगा कंपेरेटिव मेथड क्या होता है फॉर एग्जाम्पल आप क्राइम रेट कंपेयर करो क्राइम रेट अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज में तो ये एक कंपेरेटिव मेथड है ये भी ऑल्टरनेटिव मेथड हो गया जिसको हम यूज़ करते हैं सोशोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल की जगह आप कंपेरेटिव मैथड यूज़ कर सकते हो हरलम्बस हॉलबॉर्न ने कहा था कम्पेरेटिव मेथड जो है इज बेस्ड ऑन वॉट हैज हैपन और इज हैपनिंग इन सोसाइटी रादर देन अपॉन सिचुएशन आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाई दी रिसर्चर ठीक है तो कोई आर्टिफिशियली यहाँ पे क्रिएट uh, नहीं हुई है कोई रिसर्चर ने कोई सिचुएशन आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं की है आप जैसे क्राइम रेट स्टडी करो तो एक्चुअली जो चीज़ हुई है और हो रही है आप इसमें वो वाली चीजें कंपेयर कर रहे हो लेकिन इसमें भी बढ़ती हैं वो इसकी लिमिटेशन है क्यों स्पेकुलेशन बढ़ती है फॉर अगर यही हम लेते हैं क्राइम रेट स्टडी अर्बन सोसाइटी सोसाइटी और रूरल में तो आप इसमें पहले ही ये स्पेकुलेट कर सकते हो कि हो सकता है अर्बन सोसाइटी में क्राइम रेट ज्यादा हो क्यों अर्बन सोसाइटी में ज्यादा हो क्योंकि वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है वहां पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है इनकम इनइालिटी जो है वो ज्यादा है इस वजह से हो सकता है क्राइम रेट भी ज्यादा हो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो हो सकता है क्राइम रेट अर्बन सोसाइटीज में ज्यादा हो तो कहीं ना कहीं एक स्पेकुलेटिव थॉट ही है आपका तो स्पेकुलेशन इसमें ज्यादा है ये इसका एक लिमिटेशन है ठीक है दुर्खेम की जो स्टडी थी सुसाइड की वो भी एग्जाम्पल है उन्होंने भी इसमें कंपेरेटिव मेथड जो है वो यूज किया था दुर्खेम को हमें इन डिटेल पढ़ना है आगे गिन्सबर्ग ने यूज किया था ये मेथड इन द स्टडी ऑफ प्रिमेटिव सोसाइटी ये एक दो एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो हाउवर हाउ जो है इसका नेसेसरी एलिमेंट है of this method as one study social phenomena which are not uniform in all circumstances ठीक फर्दर speculation कहा मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया फर्दर वन हैजू कम्पे होल सोसाइटी एट टाइम्स टू स्टडी अ सिंगल फिनोमिना अब देखो क्राइम रेट को स्टडी करने के लिए आपको सोसाइटी के काफी सारे आस्पेक्ट स्टडी करने होंगे तो स्टडी चाहे छोटी सी हो लेकिन बर्डन हो जाएगा उसमें आपको पूरी एक सोसाइटी के सौ सो आस्पेक्ट्स पढ़ने होंगे एक आस्पेक्ट की स्टडी करने के लिए एंड दिस मेथड में नॉट लीड टू वेरी रिलायबल रिजल्ट इन सच सिचुएशन तो हो सकता है वैसी सिचुएशन आपको रिलाल रिजल्ट ना भी मिले इतना डालने के के बाद भी Therefore, ये जो method है इसको smaller institutions के लिए आप study कर सकते हो उसे a group को B group से कंपेयर करने के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए आप इसको कर सकते हो बड़े लेवल की स्टडीज आप इसमें नहीं कर सकते हो ये इसका और speculation, ये इसका इसका और स्पेकेशनिटिस आ गया ठीक है थीके? तो नेक्स्ट टॉपिक में हम है ये करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब करें टू माई चैनल फाइन और लाइक करें कमेंट करें बताएं कैसा नहीं कैसा लगा आपको वीडियो अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो ऑलवेज डिसलाइक लाइक दी वीडियो मुझे कमेंट से बताएं आपको क्या पसंद नहीं है तो टिल द टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे बाय बाय